इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एनालिसिस, जिसे वाक्य विश्लेषण भी कहते हैं हिंदी में। विश्लेषण का अर्थ हुआ अलग अलग करना, वाक्य विग्रह। एनालिसिस जो वर्ड बना है वो भी अना का अर्थ हुआ अप, और जो लेसिस है उसमें लिव इन है उसमें उसका अर्थ होता है लूसन, लूज करना, अनलूस खोलना। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है उसको कैसे विग्रह करते हैं, उसको कैसे खोलते हैं, उसका कैसे अर्थ स्पष्ट होता है, बिना एनालिसिस के नहीं कर सकते हैं हम। कोई भी सेंटेंस हो, सिंपल हो, कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, मिक्स्ड हो, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमको उसका एनालिसिस करना ही पड़ता है। तो चाहे जूनियर क्लासेज में हो, हायर क्लासेज में हो, एनालिसिस नाम तो नहीं देते हैं जूनियर क्लास में, लेकिन काम तो करते हैं उसको। बिना एनालिसिस किए किसी भी सेंटेंस का अर्थ नहीं समझ सकते हैं हम। तो इसलिए एनालिसिस माने वाक्य विग्रह, हिंदी में वाक्य विश्लेषण, वाक्य के विभिन्न भागों को अलग अलग करना। और सिंथेसिस होता है कि उसको मिलाना, कई छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके और एक वाक्य बना देते हैं, वो ही काम का चीज है। संश्लेषण करते हैं, उसमें मिला देते हैं, और एनालिसिस में उसको अलग अलग करके समझते हैं कि किस पार्ट का क्या काम है। एक सिंपल सेंटेंस से तो भी बच्चों को बताते हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब क्या है, क्या काम है, क्या अर्थ है उसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस सिंपल ही हो तो उसका एनालिसिस, उसका विग्रह, उसको समझने के लिए उसमें कौन कौन से पार्ट हैं जिसको अलग करते हैं। मान लीजिए ही रीड्स, एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो। शी राइट्स ए कॉपी डेली, एक सेंटेंस है ही रीड्स। एक सब्जेक्ट है इसमें, एक वर्ब है इसमें, सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। सब्जेक्ट दो भी हो तो वर्ब एक ही हो। एक सेंटेंस का यही अर्थ हुआ कि मिनिमम उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने चाहिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट है द सन और एक फाइनाइट वर्ब है राइजेज। इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, उसको अलग अलग ही कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, दोनों का अर्थ, भाव, कार्य बता रहे हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे कहाँ से अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे सिंपल सेंटेंस पर। कह सकते हैं कि ए सेंटेंस विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। जिससे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, सी राइट्स ए कॉपी डेली। अगला है सी डेली, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसको प्रेडिकेट कह लीजिए, जिसे हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहते हैं। तो ये जानना कि उद्देश्य किसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उद्देश्य विधेय की बात करते हैं हिंदी में, उस तरह से इसमें भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब्स
फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार रहता हो। सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर है, प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। व्हिच हैज वन आर मोर सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट राम फ्रेंड्स दो सब्जेक्ट हुए लेकिन वर्ब एक ही है, ये सिंपल सेंटेंस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सिंपल सेंटेंस है। तो एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जिसकी बात हम करते हैं वो है सिंपल सेंटेंस। अब सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसा नहीं है कि केवल नाउन या प्रोनाउन ही होगा, सिंपल सेंटेंस और थोड़ा विस्तार में देखें तो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, जेरंड भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लाज भी हो सकता है सब्जेक्ट। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहचान यह है कि वर्ब एक ही रहेगा। जैसे वेल विगन इज हाफ डन, वेल विगन इज हाफ डन, अब छोटे बच्चे हैं नहीं पहचान पाते हैं कि राम ही ये सब है नहीं, कहाँ सब्जेक्ट है कहाँ वर्ब है, लेकिन ये भी एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि फ्रेज जो है वेल विगन यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ वर्ब है इज, या ये सब्जेक्ट है तो ये इधर प्रेडिकेट है, ये सिंपल सेंटेंस है। ये भी एक फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है, एक क्लॉज सब्जेक्ट हो सकता है। व्हाट ही रीड्स इज इजी, वह जो पढ़ता है, व्हाट ही सेज इज ट्रू। तो इसको हमने क्लॉज बना दिया, व्हाट ही सेज इज True. अभी जो है व्हाट ही सेज एक क्लॉज है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इधर प्रेडिकेट है, इधर ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो हम ये देखते हैं कि एनालिसिस के द्वारा, ये सेंटेंस की पहचान के द्वारा हम उसका अर्थ समझते हैं, बच्चे भाव समझते हैं उसका क्या मतलब है उसका। अब एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, द रिच हेल्प्स द पुअर। द रिच क्या है, एडजेक्टिव का वहां काम कर रहा है, धनी लोग गरीबों की मदद करते हैं। गुड स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क रेगुलरली, फाइनाइट वर्ब कैसे बदलता है, गुड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल, डू प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर, ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट माने लिमिटेड टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार उसका नंबर है तो फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सब सिंपल सेंटेंसेस हैं। पहचान भी मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मिनिमम दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं लेकिन वर्ब दो नहीं हो सकते हैं, उस सिंपल सेंटेंस का साधारण पहचान है। इसमें मैंने बताया कि नाउन प्रोनाउन इन्फिनिटिव फ्रेज
इन्फिनेटिव टू रन इज इजी, टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है, टू वॉक इन्फिनेटिव हुआ, उस सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ, सिंपल सेंटेंस है। जिरन जैसे मैंने कहा, वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि नाउन वर्ब ही है, छोटे बच्चे जैसे पहचानते हैं, ये सभी इन्फिनेटिव, जिरन, फ्रेज, क्लाज, ये सभी सब्जेक्ट का काम करते हैं और ये सब सिंपल सेंटेंस है। तो इस तरह से हमें लगता है कि सिंपल सेंटेंस की पहचान निश्चित हो गई। अब एनालिसिस इसमें यही है कि सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, प्रेडिकेट की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं थोड़ा सा इसमें। अब आगे देखेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। हिंदी में अधिकतर वो और से जुड़े रहते हैं और एंड जो है अंग्रेजी में भी वो प्रधान उसका एक कनेक्टिव है। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिनिमम अनिवार्य हैं, दो से अधिक भी वर्ब हो सकते हैं, दो से अधिक काम हो सकते हैं उसमें, मिनिमम लेकिन दो सब्जेक्ट हो और दो वर्ब हो, दो वर्ब रहना जरूरी है, एक सब्जेक्ट हो तो भी दो वर्ब, दो काम होना जरूरी है, दो सेंटेंस जुड़ने जरूरी है, तो कंपाउंड, कम माने टुगेदर, पाउंड माने रखना, पुट, एक साथ दो वाक्यों को रख देते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ रख देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा, कंजंक्शन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो कंपाउंड हो जाता है। इसी सेंटेंस में राम रीड्स, और जब यहां एंड लगा दे, जुड़ गए दो वाक्य, दो वाक्य जुड़ गए, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिए हम, ये सिंथेसिस हो गया, दो बड़े वाक्य, दो छोटे छोटे वाक्यों को हमें एक बड़ा वाक्य बना दिए। अब इसका जो एनालिसिस, विग्रह का मतलब हुआ कि हम इसको अलग अलग वाक्यों में तोड़ देंगे। मान लीजिए ये सेंटेंस है, ही रीड्स एंड सी राइट्स, वह पढ़ता है और वह लिखती है, राम रीड्स एंड सीता राइट्स, ऐसे भी हो सकता है। तो अब यहां हम देखते हैं कि दो सिंपल सेंटेंस ही है, ही रीड्स सी राइट्स, जिसको हम एक बना दिए हैं, राम इज रीडिंग बट मोहन इज प्लेइंग, दो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, दो दो सेंटेंस जुड़ गए, दो सिंपल सेंटेंस, राम इज प्लेइंग एक सिंपल सेंटेंस और मोहन इज रीडिंग दूसरा सिंपल सेंटेंस, बट से जोड़ दिए, कंपाउंड सेंटेंस हो गया हिंदी में, जिसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसमें दो सब्जेक्ट, दो वर्ब और एंड कनेक्टिव है, इससे जुड़ गए तो यह एक संयुक्त वाक्य है। तो इसको यदि हम परिभाषा के रूप में कहें तो कह सकते हैं कि अ कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस हैविंग टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस माने इनडिपेंडेंट क्लॉजेस, इनडिपेंडेंट क्लॉज है दोनों, ऑफ इक्वल रैंक, एक ही रैंक के हैं, या साधारण शब्दों में कहें तो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ देते हैं, ज्वाइन टुगेदर बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े आपस में, तो वो जो सेंटेंस बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस है। ही केम हियर, दो से अधिक भी वर्ब हो सकते हैं उसमें, ही केम हियर, ड्रैंक वाटर एंड वेंट टू स्कूल, देखिए कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसका यदि हम एनालिसिस करना ही चाहें तो कैसे करेंगे, कैसे बच्चा समझेगा, एक ही में बोल दिए हम
ही केम एनालिसिस का यही इम्पोर्टेंस है कि केम हियर ड्रिंक वाटर एंड वेंट टू स्कूल, नहीं समझ पाएंगे बच्चे कि कौन क्या किया, तीन तीन वर्ब लग गया। लेकिन जब एनालिसिस करेंगे, तीन सिंपल सेंटेंसेस में विभक्त करेंगे तो बच्चे समझ जाएंगे। यह एनालिसिस का महत्व है अंग्रेजी ग्रामर में। इसी का जब एनालिसिस करें हम, तो ही रीड्स अलग, सी राइट्स ए कॉपी डेली अलग, एंड कनेक्टिव हो गया है, हो गया एनालिसिस। बच्चा जान गया कि वह पढ़ता है और वह लिखती है, एंड से जुड़े हुए हैं। अब एक सेंटेंस लेते हैं कि राम इज रीडिंग बट मोहन इज प्लेइंग। बट मोहन इज प्लेइंग, राम इज रीडिंग एक सिंपल सेंटेंस, मोहन इज प्लेइंग दूसरा सिंपल सेंटेंस, और बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके पहले कमा लगा दिए हम, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो इसको अलग अलग जब करते हैं तो अर्थ बच्चे समझते हैं। एनालिसिस विग्रह कर दिए हम, ये एक सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस, और इसको दो सिंपल सेंटेंसेस में हम तोड़ देंगे। राम इज रीडिंग एक, और यहाँ से मोहन इज प्लेइंग दूसरा, यहाँ से अलग बट लगा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन एक उदाहरण देखते हैं हम, जहाँ दो से अधिक फाइनाइट वर्ब है। ही केम हियर, कॉमा, ड्रिंक वाटर, एंड went to school। अभी इतना लंबा दिखने में, हम ये देख रहे हैं कि मोर देन वन, मोर देन टू वर्ब ही है यहाँ। इसको यदि एनालिसिस करके अलग अलग करते हैं, वाक्य का विग्रह करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहला He came here, दूसरा एक ही सब्जेक्ट है, इसी के तीन तीन वर्ब हैं, He drank water। अब बच्चे समझ रहा है कि वह यहां आया, उसने पानी पिया, और and went to school। He went to school। ये साबित कर रहा है कि एक ही आदमी है, यहां आया, पानी पिया और स्कूल चला गया। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें क्या है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये एनालिसिस है। एक लंबे सेंटेंस को हमने तीन सिंपल सेंटेंस में तोड़ा। अब बच्चा समझ रहा है कि एक ही आदमी तीनों काम कर रहा है और क्या अर्थ हुआ इसका। हो सकता है उसको ना समझे, ही केम हियर, ड्रिंक वाटर एंड वेंट टू स्कूल,
लेकिन तीन सिंपल सेंटेंसेस में समझ जाएगा। तो एनालिसिस का अर्थ हुआ कि हम एक जटिल वाक्य को, एक संयुक्त वाक्य को और कैसे सिंपल सेंटेंस में तोड़ के उसका भाव समझते हैं। और यदि इस तरह से तीन सिंपल सेंटेंसेस हों तो इसको कैसे ऐसे बनाते हो, सिंथेसिस, संश्लेषण, सरल लेखन के लिए एनालिसिस, जटिल लेखन के लिए सिंथेसिस, संश्लेषण, मिला दीजिए एक ही में। तो कंपाउंड सेंटेंस अन्य और बहुत तरह के होते हैं, लेकिन पहचान ये है कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जरूर जुड़े रहते हैं। जैसे एंड से जुड़े रहेंगे, बोथ एंड से जुड़े रहेंगे, देखेंगे इन आधारों पर आगे वाक्य भी, एज वेल एज से जुड़े रहेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े रहेंगे वाक्य, और सब कंपाउंड सेंटेंस को कहलाएंगे। आइदर आर से जुड़े रहेंगे वाक्य, नाइदर नॉर और अदरवाइज और इल्स, बट का एक मैंने देखा, वेयर एज, वाइल, वनली, स्टील, येट, नेवर द लेस, फॉर, फॉर वहां क्योंकि का अर्थ देता है, सो देयर फॉर। तो इससे जो मैंने नाम रखे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं। कहीं एडवर्ब भी हो सकते हैं, वो प्रयोग के अनुसार अलग चीज है, लेकिन जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं तो ये सब पहचान है कि ये कंपाउंड सेंटेंस हैं, जिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का नाम मैंने लिया। आगे और देखेंगे विभिन्न तरह के कंपाउंड सेंटेंस हैं, इनके आधार पर जिनको बच्चे पहचानेंगे उनका अर्थ भी जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स दोनों में मिला हुआ है। कंपाउंड, कम मने टुगेदर, पाउंड मने पुट, दो सिंपल सेंटेंसेस को कोयल पुट कर देते हैं, रख देते हैं, हो गया कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है उसमें भी कम है, उसमें भी टुगेदर करते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिल है, वो जटिल है थोड़ा, एक पर दूसरे आश्रित है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, हटा देंगे तो वो दोनों वाक्य स्वतंत्र। कंपाउंड, पाउंड है, पुट टुगेदर केवल रख दिया गया है, और वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिल। जैसे जटाएं एक दूसरे में उलझी रहती हैं, वो दोनों वाक्य भी, उसमें आगे बात आती है कि एक प्रिंसिपल क्लाज है तो एक सबॉर्डिनेट क्लाज है, एक प्रधान उपवाक्य है तो एक उस पर आश्रित उपवाक्य है, इसलिए कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मिक्स्ड सेंटेंस देखेंगे, और जब चार तरह के सेंटेंस देखेंगे हम और उनका एनालिसिस करके अलग अलग कैसे करते हैं, तो कोई भी चैप्टर हो इंग्लिश का उसमें वाक्य तो आते हैं, सिंपल होगा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड, उनका अर्थ समझना बच्चों के लिए आसान हो जाएगा एनालिसिस के बाद। थैंक यू वेरी मच।